वो देख लो। अच्छा ठीक है ना, और पेपर स्ट्रिक्टली उसी चीजों से बनेगा बच्चों जिसमें क्या क्या आना है। तो बोर्ड एग्जाम में नंबर पाने के लिए इस चीज का भाई बहुत ध्यान रखना कि क्या क्या आना है। उल्टा सुलटा पढ़ के जाओगे, ज्ञान तो खूब बढ़ा लोगे यार, मगर बोर्ड में नंबर कम हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ अच्छा नहीं लगता है ना। तो रिलेशन फंक्शन का टॉपिक बहुत छोटा है, केवल हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हमारे पास पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, और दूसरा टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, एंड इसके बाद है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन हट गए भाई, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे ऑब्जेक्टिव वाले, खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर बनते हैं टाइप, वो कम। हाँ, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस में है। नहीं बेटा, वो जो वन वन ऑन टू है ना, वो टाइप्स ऑफ फंक्शन ही है। नहीं, उसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वो टाइप ऑफ फंक्शन में ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं बताऊंगा कि रिलेशन क्या होता है। ओके, लिखो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन, सो व्हाट इज रिलेशन? अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एक रिलेशन जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। एक रिलेशन जो है वो है सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या कहलाता है? ए क्रॉस बी को कहते हैं बच्चों हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी कहलाता कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा 11th क्लास से यहाँ पे उठा रहे हैं अपन, जिससे रिलेशन पूरा फीलिंग के साथ क्लियर हो पाया। आइए एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी। एक सेट मेरे पास ए है और दूसरा सेट है मेरे पास बी। सेट ए में मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूं, 2, 3, 4, 7। सेट बी में कुछ एलिमेंट ले रहा हूं मैं, 22, और बोलो लोग 34, 51, 62, 49, ये ले लिए एलिमेंट। ठीक है, ए क्रॉस बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए के एलिमेंट है, ये सेट बी के एलिमेंट है। तो पहला सवाल ये है कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, मतलब मैं क्या बनाऊं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितने एलिमेंट बनेंगे टोटल? तो बहुत ही सिंपल है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट काउंट करने के लिए इसके एलिमेंट काउंट करो। सो व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू 4, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू कितना है, 5। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 20। मतलब ए क्रॉस बी में आपसे पूछा जाए कितने एलिमेंट बनेंगे, तो आंसर एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एन ऑफ बी, सो 4 × 5, आंसर कितना, 20। तो एक क्वेश्चन तो पहला आपका रिलेशन का ये बन सकता है कि एक सेट में 4 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 5 एलिमेंट है, बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 20। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाएंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो अब इन 20 एलिमेंट को देखो, अब इन 20 एलिमेंट को देखो, अभी 20 जो एलिमेंट बनेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन पहले समझो, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है। ए क्रॉस बी इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। ए क्रॉस बी एक्स कॉमा वाई का कलेक्शन है, जहां पे एक्स पहला सेट का एलिमेंट है और वाई दूसरे सेट का। तो चलो लिखता हूं मैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। चलो पेयर बनाओ, सबसे पहले 2 का कनेक्शन किसके साथ, 22 के साथ, फिर 2 का 34, 2 का 51, 2 का 62, तो
का 49, तो लिखते जाते हैं 20 एलिमेंट आएंगे, 2,22, 2,34, 2,51, 2,62 एंड 2,49। ये चैप्टर थोड़ा सा गंदा चैप्टर है, बेहुदा चैप्टर है, पढ़ने में दिमाग खराब होता है इसको, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता ये चैप्टर। करते हो क्या चल रहा है हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, बट अगर मैं अच्छे से इसको क्लियर कराऊंगा ना तो आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। तो इसको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, उसको समझना, कहीं डाउट आए पूछना। अब ये पहला मैंने बता दिया, 2 के जोड़ीदार इतने हो गए। अब देखो 3 के, 3,22, 3,34, 3,51, 3,52 एंड 3,49, ये हो गया। 4,22, 4,34, 4,51, 4,62 एंड 4,49, 7,7,22, 7,34, 7,51, 7,62, 7,49, बस ये बन गए, डब्बे बंद कर दो, टोटल 20 एलिमेंट आ गए। अभी तक मैंने केवल आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाया है, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अब मैं आपको सिखा रहा हूं रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, डेफिनेशन लिखी मैंने, अ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी कहां बैठा है, ये है ए क्रॉस बी, एक बड़ी सी फैमिली है। इस बड़ी सी फैमिली में से एक छोटी सी फैमिली निकाल लो, इस बड़ी सी फैमिली में से एक छोटी सी फैमिली निकाल लो, वो जो छोटी सी फैमिली आएगी वो सबसेट आएगी, समझ गए ना। तो पहला तो सवाल ये बनता है कि एक गिवन फैमिली में कितने सबसेट हो सकते हैं। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी फैमिली में n एलिमेंट हैं तो उसके जो सबसेट बनते थे वो बनते थे 2 की पावर n, कितने बनते थे 2 की पावर n। तो फिलहाल यहां पर कितने एलिमेंट हैं, 20। ये जो परिवार बैठा है ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 20। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power 20। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस देयर मे बी पॉसिबल, 2 to the power 20। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है, तो 2 की पावर 20। तो पहला फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लगता है कि आएगा ये आंसर, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 to the power m into n। क्यों, पहले m से n किया था तभी तो 20 बना था, और उसी 20 के तो पेयर जमाए थे अपन ने, तो 2 to the power, देख लो यहाँ पर पर्टिकुलर ये बात करूं, 2 की पावर 4 into 5, तभी तो आया है 2 की पावर 20। सो नंबर ऑफ रिलेशन लिख लो 2 की पावर 20, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर 20, ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि टोटल 2 की पावर n सबसेट में एक सेट होता था एम्प्टी सेट, एक सेट क्या होता था, तो इतने सारे रिलेशन में एक रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि 2 to the power total 20 सबसेट निकले हैं, उसमें एक सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो एक वही सेट रिलेशन ही तो है, तो एक रिलेशन निकलेगा एम्प्टी रिलेशन। तो मैं बोलूंगा बताइए नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने हैं, तो क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 20 में से एक कम। तो यहां पे भी बनाओ फॉर्मूला, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन आंसर 2 to the power m into n minus 1, क्योंकि एक ही रिलेशन होता है, एक सबसेट होता है 5, उसको हटाना पड़ेगा। हाँ ये ही प्रॉपर सबसेट है, दीज आर द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, यही प्रॉपर सबसेट है। ओके तो ये नॉन एम्प्टी रिलेशन बन गए इतने। इतने बन गए नॉन एम्प्टी रिलेशन। अरे बेटा हाँ कंफ्यूजन हो रहा है उस पर। देखो ये ए क्रॉस बी क्या था, ए क्रॉस बी अपना सेट ही तो है। अब इसको तो मैं ए बी सी डी मानू,
तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power n। अब चाहे में से तुम इसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करो या 10 एलिमेंट सेलेक्ट करो, इसके जो सेट बनेंगे छोटे छोटे वही तो सबसेट है ना। मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कौन है, ये है ना, ए क्रॉस बी क्या है, ये है ना। तो इसके जो चुनोगे, चाहे ये चुन लो चाहे ये चुन लो, इसके सबसेट ही तो चुन सकते हो। चलो हो गया, अभी और ज्यादा डिटेल करता हूं, ये तो मैं एक एक करके फॉर्मूले सिखा रहा हूं आपको। चलो ये हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन में, इस सिनेरियो में मैं आपको एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। क्या क्या सीखा, सेट ए, सेट बी, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का सबसेट होता है क्या रिलेशन, तो मैंने सिखाया कि कितने सबसेट हो सकते हैं, तो आपने बताया 2 की पावर m into n। अब उतने में से टोटल है ये 2 की पावर m into n निकले, 2 की पावर 20 बहुत सारे निकलेंगे, इतने टोटल पॉसिबल छोटी छोटी फैमिली बन सकती हैं। अब फैमिली आपको क्वेश्चन में दी होगी, जो छोटा क्वेश्चन में कैसे दी होगी देखो, अ रिलेशन R इज डिफाइंड, ऐसे दिया होगा, अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। इसको बोलने का तरीका, अ रिलेशन R इज सच दैट, या अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, मतलब रिश्तेदारी जा रही है A से लेके B की तरफ, कैसे है ना, A टू B, a relation R is equals to defined A to B, comma X is factor of Y, X is factor of Y, X जो है Y का factor है। एक relation R बनाओ जो कि A से B में जा रहा है, एक रिलेशन R बनाओ जो कि A से B में जा रहा है। यहां पे एक वो भी यूज कर सकते हो, X comma Y सच दैट X इज फैक्टर ऑफ Y। तो ये लाइन लिखो पहले कॉपी में अपने, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, है ना, रिलेशन A इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, a relation A is defined from A to B such that X and Y are in pair and X is the factor of Y। चलो भाई देखो फिर क्या जलवा इसका, देखो देखो मैच करो, अब रिलेशन बनाने की कोशिश में है, बड़े अच्छे से मैच करना, देखना ध्यान से चेक करो, 2 factor 22 का क्वालिफाई करेगा, करेगा मतलब ये रिलेशन का एलिमेंट है। हम सब नहीं ले लेंगे रिलेशन में, अगर सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में छाप लोगे तो ऐसे रिलेशन को बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोला जाएगा, हाँ, अगर ए के सारे एलिमेंट की रिश्तेदारी बी के साथ बन रही है तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। बट हमें ऐसा नहीं लेना, हमको तो कंडीशन दी गई है, अब देखते हैं शायद कंडीशन में यूनिवर्सल आ जाए तो अच्छी बात है। 2 comma 22 हाँ है, क्योंकि 2 22 का फैक्टर है, बिल्कुल सही। सेकेंड 234 का, हाँ है, क्वालिफाई कर गया, ये कर गया, ये कर गया, क्या ये किया, नो, क्या ये किया है, ये किया, नो। तो अगला आया 234 एंड 262, देन 322 क्वालिफाई किया, नहीं किया बिकॉज 322 का नहीं है, 334 को किया, नो, 3 का फैक्टर होने के लिए, 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 का सम होना चाहिए ना, 351 है, 5 और 1 6 हुआ, डिवाइड करेगा, 351 है, 362 नहीं है, 349 नहीं है, खेल खत्म, 3 का काम खत्म, 422 नो, 4 5 20 उसके आगे कहाँ आएगा, 434 है कि नहीं है, फैक्टर नहीं है ना, हाँ, 451 नो, 462 सोचो नहीं है, 449 नहीं, चलो अगला 722 नो, 734 751 नो, 742 62 नो, 749 है। चलो तो बच्चों ये बन गया रिलेशन, क्या बन गया, ये रिलेशन, छाप लो इसको, ये है रिलेशन।
सो रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में संबंध, और संबंध आड़े तिरछे उल्टे सुलटे कैसे भी बना सकते हैं अपन, संबंध अच्छे संबंध है किसी से, बुरे संबंध है, मधुर संबंध है, कठोर संबंध है ना। अब देखिए अब ये जो सेट है, सेट ए देखो, अब रिलेशन देखो, अब मैं रिलेशन को डायग्राम में बना रहा हूं, रिलेशन को मैं प्लॉट कर रहा हूं। अभी तक मैंने सेट प्लॉट किया था, अब मैं किसको प्लॉट करूंगा, रिलेशन को। तो क्या लिखूंगा, ए बी, ये एरो बनाएंगे, ये एरो बनाएंगे, अब लिखेंगे अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये लिखेंगे कि एक रिलेशन है जो ए से लेके बी में जा रहा है, मतलब इनपुट वाली पार्टी ए है और आउटपुट वाली पार्टी बी है। अगर मैं यही बोलता कि अगर रिलेशन बी टू ए जा रहा है तो मैं कहता कि इनपुट है बी और आउटपुट है ए। तो फिलहाल कहां से कहां जा रहा है बच्चों, ए से बी। चलो देखो ध्यान से, अब उसको छोड़ दो, अब इसको देखो, बोलो टू का कनेक्शन किससे, 22 से। तो यहां पर है टू, टू का कनेक्शन 22 से, हेलो एरो लगा दो ऐसा। हाँ अगला, टू का कनेक्शन किससे, दो बार नहीं बनेगा, एक ही बार रहेगा, क्योंकि सेट में चाहे कोई एक बार आए चाहे 50 बार आए, एक बार ही लिखा जाता है सेट में, समझ गए ना। फूल के बगीचे में गए, 5000 फूल लगे थे गुलाब के, बोले एक काम करो इसका सेट बना दो, तो कैसे बनाओगे, एक डब्बा लोगे, यहां लिखोगे रोज, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रोज, क्या है, सेट ऑफ रोज। अब चाहे वहां पे दो गुलाब हो या 10 गुलाब हो या 5000 गुलाब हो, ये थोड़े ना कि रोज 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 लिखते जाओगे 10000 बार। तो सेट में चाहे कोई एक बार आए चाहे अनेक बार आए, एक बार ही शो किया जाता है, समझ गए ना, बताना जरूरी था। नहीं आप कहोगे सर ये तो 22 वाला 2 है, फिर इसका वाला 2 अलग बनाओ, नहीं एक ही बार। चलो अगला 2 का कनेक्शन किससे, फिर अगला 2 का कनेक्शन किससे, यही नहीं है, फिर भैया कौन है, 3 का कनेक्शन किससे, 51 से, 3 का कनेक्शन 51 से, और 4 का किससे, 7 का किससे, 49 से। ये बन गया बच्चों रिलेशन, ये है रिलेशन। अब इस रिलेशन में दो चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा डोमेन रेंज, तो लिखिए डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन कौन, इनपुट में भाग लेने वाले जो लोग हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। कौन कौन आया इनपुट में, देखो 2 आया, 3 आया, 7 आया, सो सेट ऑफ 2, 3, 7, ये है डोमेन, ठीक है। लिखो रेंज ऑफ आर, किन पे लगा निशाना, 2 का निशाना लगा 22, 34, 62, रेंज इक्वल टू 22, 34, 62, 51, 49, देखिए ये है रेंज, ये है डोमेन और ये है रेंज, एक है डोमेन एक है रेंज, क्लियर। दशराज मुस्कान, क्लियर है बेटा, यस सर क्लियर है, यस सर ओके। और कौन कौन जुड़ा, आमिन के बाद एक और बच्चा है, क्या नाम है, भास्कर, समझ में आ रहा है बेटा, क्यों भास्कर आवाज नहीं आ रही तुम्हें, कहां पे हो, यस सर क्लियर हो रहा है, यस सर नोट कर लो, ये हो गई डोमेन, ये हो गई रेंज।
ठीक है, डोमेन रेंज बता दी। अब देखो यार, इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा फंक्शन। रिलेशन तो करना ही है, साथ में क्या पढ़ना है इसके बाद, फंक्शन। तो यहीं पर बता देता हूं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क है। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध, और फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं नियम। ठीक है, रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध, और फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं नियम। इससे एक बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज पता चल जाती है हमें, जो इस चैप्टर में हमें बहुत हेल्प करती है। अगर मैं कहूं कि आप मेरे पिता हैं, अपने रियल पिता को मैं कहूं आप मेरे पिता हैं, तो ये वाकई मेरे पिता हैं, वो नियम से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। बट दूसरे जो फादर्स हैं, मैं उनको कहूं आप मेरे पिता हैं, तो वो कहना गलत होगा। उन्हें तो कहना चाहिए आप मेरे पिता तुल्य हैं या पिता समान हैं, क्यों भाई, ठीक है ना। तो देखो यहां पे ये लॉजिक कैसे हेल्प करता है। संबंध जो है कई के साथ बन सकता है, बट नियम हमेशा एक के साथ बनेगा, ठीक है ना। एक बच्चे के कई पापा के समान हो सकते हैं, बट कई पापा नहीं हो सकते। यहां देखिए दो है, क्या दिक्कत हो रही है। दो को, इधर वाली पार्टी को मानो इनपुट, इनपुट यानी बच्चा, और इधर वाले आउटपुट यानी फादर। यहां पे देखिए रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो दो के तीन पापा मिल रहे हैं, टू के फादर 22, टू के फादर 34 और टू के फादर 64, है ना 62, और थ्री के फादर। चलो इन लोगों ने कोई रूल का वायलेशन नहीं किया, मगर टू की तरफ से रूल का वायलेशन हुआ ना, तो बताओ क्या ये फंक्शन है? नहीं है, बट ये रिलेशन है। रिलेशन में गड़बड़ झाला सब कुछ चलेगा, समझ गए, बट फंक्शन में नहीं चलेगा। फंक्शन रूल होता है, फंक्शन नियम होता है। फंक्शन का नियम है एक इनपुट के बदले एक आउटपुट, और रिलेशन में आप एक इनपुट के बदले छह आउटपुट दे दो। ये क्या हो रहा है मालूम, ये शक्तिमान की पोजीशन है जो कई जगह एक समय में प्रेजेंट हुआ करता था। कैसे, ये एक्स है और ये वाई है। अगर इसको ग्राफिकली मैं बना करके दिखाऊं तो देखिए आप, ये मैं इस तरफ का पार्ट रफ कर दी, तो मेन समझा दी, आर समझा दी। अब इसको ग्राफिकली देखो तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन क्यों नहीं है और रिलेशन क्यों है। मैथ्स में तो हर कुछ रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में देखिए, मान लीजिए ये टी है, समय है, टी इक्वल टू दो सेकेंड, टी इक्वल टू दो सेकेंड, और ये है आपकी डिस्टेंस, टी इक्वल टू दो सेकेंड। दो सेकेंड पे ये इनपुट बन गया, एक्स एक्सिस क्या होती बेटा, इनपुट, तो ये दो सेकेंड है। दो सेकेंड पे देखिए आपकी पहली पोजीशन है, आप अपने घर पे थे, मतलब दो सेकेंड पर आप अपने घर पे थे। अगला दो सेकेंड पर ही, क्योंकि यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, दो ही तो है, वाई की वैल्यू बढ़ रही ना, ऊपर जा रहे हो ना यार, ग्राफ तो पड़े हो गए इतना, एक्स की वैल्यू दो है, वाई की वैल्यू देखो चेंज हो गई, इधर पे एक्स की वैल्यू है टू और आपकी वाई की वैल्यू देखो चेंज हो गई, यहां पे आ गई, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई। मतलब आप पहले दो सेकेंड पे घर पे के, अब फिर आप दो सेकेंड पे कहां पे हो, कोचिंग में हो, पाठशाला में हो, ओके, एट कोचिंग पे हो, और फिर दो सेकेंड पे ही आप कहां पे हो, ग्राउंड में हो। बोलो क्या सही है, एक ही सेकेंड पे तीन पोजीशन आपकी, हाउस पे हो, घर पे हो, कोचिंग पे हो और ग्राउंड पे हो। तो भैया ये फंक्शन नहीं है, ये नियम नहीं है, ये तो नियमों का उल्लंघन है, समझ गए ना। तो ये फंक्शन नहीं है, हाँ ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? ओए निशांत मोबाइल बंद करो, ध्यान दो यार, इधर रखवा लूंगा नहीं तो। ये है भैया, ये फंक्शन और रिलेशन में इतना फर्क है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया भैया रिलेशन। ओके, तो एक जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कितने बनते हैं पॉसिबल रिलेशन, टू की पावर m इंटू एन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू एन, उसमें से नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे, टू इंटू एम की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब हेडिंग लिखो बच्चों, यूनिवर्सल टाइप ऑफ रिलेशन, हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेटा ये है डोमेन और ये है रेंज,
हाँ कोडोमेन बताऊंगा, कोडोमेन कब आएगी जब फंक्शन पढ़ाऊंगा। रिलेशन में कोडोमेन का कोई मतलब, रिलेशन में कोडोमेन का भी मतलब अब समझ लो। चलो अब बच्चे ने कोडोमेन पूछा, सब लोग रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए कोडोमेन यहां पर जो आपके पास टोटल आउटपुट था कौन कौन था, मिटा दिया मैंने यहाँ पे। देखिए आपके पास जो आउटपुट था वहां पे 51 भी था, 51 के अलावा और कौन था, काफी सारे थे ना, 63 था, 64 था और सारे थे ना, खूब सारे। वो जो पूरा का पूरा सेट बी था, पूरा का पूरा बी, ये अपन ने छांट लिया जिन पे निशाना लगा। शुरुआत में जो पूरा का पूरा सेट बी था वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। समझ गए ना, शुरुआत में जो पूरा का पूरा सेट बी था, देखो बताओ जरा सेट बी में क्या क्या था बेटा। नहीं नहीं एक और था जो किसी से पेयरिंग नहीं हुई, कुछ थे जैसे 61 था शायद, 1 2 3 4 5, नहीं नहीं और एक मिनट, अच्छा 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 हाँ पी 5 4 का, हाँ सही कह रहे हो सही कह रहे हो, सारे पेयर बन गए, पेयर बन गए। चलो मान लो, मान लो मैं एक एलिमेंट यहाँ पे दे देता 11 11, बोलो सही कह रहे हैं ये कि सर 5 एलिमेंट थे क्योंकि सबके पेयर तो बन गए 5 4 20 एग्जैक्टली। तो मान लो अगर मैं 11 दे देता तो 11 2 का भी फैक्टर नहीं होता, 3 का भी नहीं होता, 4 का भी नहीं होता, 5 का भी नहीं होता, मतलब फालतू बैठा रहता। तो जब मैं रेंज लेता तो इसको तो नहीं लेता ना, क्योंकि इसकी पेयरिंग किसी से तो नहीं हुई। मगर यदि कोडोमेन की बात करोगे तो कोडोमेन मतलब सारे, कोडोमेन मतलब सारे। जैसे एग्जांपल के लिए सब्जी मार्केट में गए, आपके पास 100 टाइप की सब्जियां रखी हुई हैं, बट बास्केट में आपने 10 सब्जियों पे ही निशाना लगाया, तो वो जो 10 आपने अपने बास्केट में डाली वो क्या है, रेंज, क्या है वो। मगर जो पूरे सुपरमार्केट में सब्जियां रखी हुई थी वो क्या है, कोडोमेन। समझ गए ना, तो मतलब सवाल करूंगा कौन किसका सबसेट है, कोडोमेन रेंज का सबसेट है या रेंज कोडोमेन का सबसेट है। हाँ लिखो बच्चों, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। एक और सवाल करूंगा, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन या एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये रिलेशन तो है देखो बट ये फंक्शन नहीं है। तो लिख लो कॉपी में, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर नियम एक संबंध है मगर हर संबंध एक नियम नहीं है। Every function is a relation, but every relation is not a function. अब हम पढ़ रहे हैं आगे। हाँ बेटा कोई डाउट? किसके लिए? फंक्शन के लिए। सवाल किसके लिए? फंक्शन के लिए। अगर आप यूनिक इमेज की बात कर रहे हो, एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग केवल एक आउटपुट। नहीं 20 इधर वाले से तय नहीं होता है, इधर वाले से तय होता है। इधर वाले का ये बेटा है, एक बेटे के कितने पापा? एक पापा। अगर फंक्शन की बात करोगे तो एक बेटे के एक पापा। इधर से मत तय करो बेटा, इधर से नहीं तय करो। आप ऐसे ऐसे मत देखो कि यहां के लिए एक हो, इधर के लिए एक हो, लेफ्ट वाले के लिए राइट में 1 पॉइंट। समझ गए ना, उसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं उसको? इमेज। एवरी एलिमेंट हैव शुड हैव ओनली वन इमेज, नॉट मोर देन वन, क्योंकि एक इमेज मतलब एक पापा। सो टू डिफाइन, फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड हैव इट्स वन इमेज, और यू कैन से यूनिक इमेज। सो लिखो कॉपी में, टू डिफाइन अ फंक्शन, टू डिफाइन अ फंक्शन, अभी हालांकि फंक्शन शुरू नहीं किए थे बट फिर भी अच्छी बात है आ गया। To define a function, every element of its domain should have a unique image. Unique मतलब इकलौती, एक ही image होनी चाहिए, that is called unique image. चलो भाई बहुत बढ़िया हो गया, objective question खूब भेजूंगा आपको मैं, ठीक है ना।
ग्रुप में जो लोग जुड़े नहीं हो मेरे को मैसेज कर दे, अभी कर दो मैसेज, मैं आपको भेज दूंगा इस नंबर पे 9425184292, ठीक है ना, इस पे मेरे को अभी मैसेज कर देना, तो मैं इस पे मैसेज में आपको जो पुरानी वर्कशीट वगैरह है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर देना तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि ये होता है ना कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जुड़ोगे क्लास ग्रुप में, तब तक एक दो वर्कशीट मान लो छूट रही है तो क्यों छूटे, ले लेना, ठीक है। चलो तो भैया ये हो गया, लिख लो, तुम्हें तो याद होना चाहिए, मैंने तुम्हें 2 साल पढ़ाया है, ठीक है ना। नहीं 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 होता चेंज, ये नंबर वही है, ठीक है ना। बेटा हाँ मैं समझ गया, वो एक्चुअली सिलेबस से हट गया, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे पिछले साल हट गया था, देखते हैं होगा तो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है, अरे हम तो सब पढ़ा दें, मगर दिक्कत ये है कि भाई ज्यादा पढ़ा देंगे तो लोड आप पे ही बढ़ जाएगा, और 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 3 नहीं नहीं वो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत यूज तो होता आगे के लिए, इम्पोर्टेंट है ये बात है, उसको कॉलेज में जाओगे तो उसका बहुत यूज है, ये बात सही है, कॉलेज में जो मैथमेटिक्स है उसमें आएगा। चलो कम बैक टॉपिक के वापस आते हैं भाई, रिलेशन मैंने बता दिया, हाँ क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन, लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब बच्चों हम जो कैटेगरी ऑफ रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं ना अब अपने सिलेबस में, अब हमको रिलेशन पढ़ना है, ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। तो पहला रिलेशन लिखो जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, समान, आइडेंटिकल, एक जैसा है ना, फोटोकॉपी। तो भैया ऐसा रिलेशन एक्स कंटेन्स, इनपुट भी एक्स है आउटपुट भी एक्स है, इनपुट भी एक्स है आउटपुट भी एक्स है, फॉर ऑल, ये है फॉर ऑल, ये निशान लगाओ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ए के हर एक मेंबर के लिए अगर रिलेशन खुद से खुद में रिलेशन बनाए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आप कहोगे सर ये तो रिफ्लेक्सिव है, भैया फर्क है, थोड़ा ही सा फर्क है, हर आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, मगर हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। अब एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, देखिए रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हो इसलिए शायद समझ में आ रहा होगा, अभी पूछेंगे बच्चे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, बता देता हूं रिफ्लेक्सिव भी क्या होगा। देखिए भाई एक्स कॉमा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, मैंने एक रिलेशन आपके सामने लिखा ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, और ए का ए से बनाना है मतलब 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे, इधर 5 इधर 5 मतलब 25, ए क्रॉस ए बन गया 25, और नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 25। अब उन 2 की पावर 25 नमूनों में से एक नमूना मैंने ये निकाला, आर इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों ये जो रिलेशन कहलाता है ना इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें कंपल्सन है कि इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा, मगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। रिफ्लेक्सिव बात करता है कि मेरे हर एलिमेंट की रिश्तेदारी मेरे साथ होगी, मेरा हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट का रिश्तेदार क्या होगा, सेट ए का ईच एलिमेंट होगा, मगर उसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि कोई ना आ जाए दूसरा, बिल्कुल आ जाए। देखो अगर मैं एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखूं, सो आर इक्वल्स टू 1, 1, 1, 2, 1, 3, ओए ये क्यों आ गया, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, और एक मैंने एलिमेंट मैंने डाल दिया 2, 3। ये लो भैया अब बताओ, अब ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, बोलो
ऊपर वाला आइडेंटिटी है, ऊपर वाले, ऊपर वाला है भाई, ऊपर वाला आइडेंटिटी है, नीचे वाला क्या है? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये तो सारे आइडेंटिटी वाले हो गए और ये क्या बैठा है? बैठा है ना अलग से, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, नोट कर लो। सो इट्स, ये आइडेंटिटी नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है, तो ये नॉट आइडेंटिटिव आइडेंटिटी टीटी बट रिफ्लेक्सिव। क्यों भाई निशांत, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, पढ़ा तो होगा? हाँ पढ़ाया सब है, है ना, रिवीजन हो रहा है। सर ये कहाँ के लिए? इधर के लिए, लाइट के लिए। ये सर इसको नीचे इंप्रेशन आ रहा है उसका, लाइट का, ऐसा कुछ जमा हो कि इंप्रेशन ना आए। एलईडी पैनल लगवाने पड़ेंगे सर, वो जो आजकल मोबाइल की दुकान में चलते हैं ना नीचे से। चलो ठीक है बच्चों, लिख लिया तो ये हो गया भैया, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है। चलो सेकंड नंबर रिलेशन लिखो, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा दिया, अब सेकंड नंबर रिलेशन लिखो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए वाला। हाँ बेटा फिर से रिपीट कर देता हूँ यशराज। बेटा आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट केवल और केवल खुद के साथ रिलेशन बनाए, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है तो एक्स के साथ बनाए, तो बेटा वन वन के साथ बनाएगा, टू टू के साथ बनाएगा, थ्री थ्री के साथ बनाएगा, फोर फोर के साथ बनाएगा, फाइव फाइव के साथ बनाएगा, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। यस सर ठीक है, अगला लिखो, अगला लिखो यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर R इक्वल्स टू A क्रॉस A हो, मतलब सर कार्टेशियन प्रोडक्ट वो ही बना दिया R, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया R के फॉर्म में, मतलब हर एलिमेंट सबसे कनेक्टेड है, हर एलिमेंट सभी से कनेक्टेड है, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। लिखो कैसे देखेंगे, देखो बच्चों एक सेट ले लो ए, वन टू थ्री, अब ए क्रॉस ए मैं दिखा रहा हूं आपको बच्चों, ए क्रॉस ए देखो कैसा बनेगा। हाँ सारे कनेक्शन कर दो, कितने बनेंगे? थ्री थ्री नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, वन टू थ्री सब भर दो इसके अंदर, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, अभी वन कॉमा टू से ले, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, वन कॉमा टू, वन कॉमा थ्री, है 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, बस खत्म। तो ये देखिए किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया ना, A क्रॉस B के इक्वल आ गया ना, ये मेरे को लिखना था A क्रॉस A और यही है R। अगर मैंने इसी को R के फॉर्म में ले लिया, यही ले लिया रिलेशन, मैंने इसी को रिलेशन ले लिया है A क्रॉस A को, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ऑल पॉसिबिलिटी कंटेन कर रहा भाई, समझ में आया? और एक यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है और हमेशा ट्रांजिटिव होता है। एक रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज, ठीक है ना, एक जो रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है, हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, हमेशा ट्रांजिटिव होता है। एग्जाम्पल देखो कैसे, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ खुद का कनेक्शन, देख बेटा खुद के साथ, वन का कनेक्शन वन के साथ है ना, टू का कनेक्शन टू के साथ है ना, थ्री का कनेक्शन थ्री के साथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक का मतलब अगर ए की रिश्तेदारी बी से है तो बी की रिश्तेदारी ए से हो, तो देखो वन का टू के साथ है, अब इसको पलट दो और चेक करो क्या टू का वन के साथ है, वन का थ्री के साथ है, है,
पलट कर दो तो थ्री का किसके साथ है, वन के साथ है, और टू का थ्री के साथ है तो थ्री का टू के साथ है। तो मतलब एक यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और एक और बात बताऊंगा जो मैं बाद में, ट्रांजिटिव। ट्रांजिट का मतलब होता है चलना, ट्रांजिट का मतलब होता है मूव करना, बदलना, जो चीज चले बदले मूव करे उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो लिख लो, लिख लो, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ए यूनिवर्सल रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखो, नोट कर लो, देखो, अ यूनिवर्सल रिलेशन, अ यूनिवर्सल रिलेशन, अ यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज A universal relation is always always reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, समझ में अच्छे से कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, सर हो गई जी? नहीं सर, हो गया सर। अब लिखिए, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मैंने बता दिया है। अब अगला टॉपिक लिखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, अब लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिलेशन के अंदर जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, रिलेशन के अंदर जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, एक बनते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन और एक बनते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। कैसे आएगा नंबर बेस्ड क्वेश्चन? आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 के लिए a इक्वल्स टू दे रहा है, सॉरी, रिलेशन r इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, ओके है, दिया है। तो बताइए कैसा रिलेशन है? चार ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, दो चीजें हो सकती हैं सवाल में, कैसा रिलेशन है, सवाल अच्छे से पढ़ना है ना, Which type of relation is this? Okay, और दूसरा कैसा relation नहीं है? भैया बड़ा धोखा हो जाता है, बच्चे टूट पड़ते हैं खुशी के मारे। देखा कैसा relation है, छोटा सा बीच में रहता है, not, उल्टा हो जाता है, बड़ा कवाड़ा हो जाता है भैया। तो देख लेना क्वेश्चन में कि क्या पूछा है, कि पूछा होने को है कि ना होने को, ये चीज पढ़ना। छोटे क्वेश्चन धोखा देते हैं, बनते बनते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पहले मैं पढ़ा रहा हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन कैपिटल आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ईच, ईच मतलब प्रत्येक, कंपल्शन है हर कोई, इफ फॉर ईच, ईच वर्ड पे जोड़ डालो, If for each x belongs to A, हर वो member जो A का element है, हर वो member जो A का element है, if for each x belongs to A, x comma x किसका member होगा? R का, x comma x belongs to R, एक ऐसा relation जिसका प्रत्येक element खुद के साथ connected हो, जिसका हर element खुद के साथ रिश्तेदारी करे, ऐसा मेंबर कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसा रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए देखते हैं, बात करते हैं, क्या ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 बैठा हुआ है। अगर मैं एक भी एलिमेंट यदि यहां पे कम कर देता
तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, समझ रहे हो बेटा? अभी ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना? तो क्योंकि x कॉमा x बिलोंग्स टू r। लिखिए सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। चलो भाई, अगर तुम मेरे भाई हो, अगर तुम मेरे, तो मैं तुम्हारा भाई होंगे, है ना? सही है। मतलब ए और बी, ए कॉमा बी में रिलेशन अगर भाई का है, तो पीछे से बी कॉमा ए में भी रिलेशन किसका होगा? भाई का। दूसरा एग्जांपल, अगर तुम मेरी सिस्टर हो तो मैं भी तुम्हारी नहीं है, समझ गए ना? तो गर्ल्स के केस में अप्लाइड नहीं है, गर्ल्स के केस में अप्लाइड नहीं होगा कि अगर ए और बी गर्ल और बॉय हैं और ए बी की सिस्टर है तो बी ए की सिस्टर नहीं होगी फिर। या बाप बेटा, ए बी का बाप है तो बी ए का बाप कैसे हो जाएगा? समझ गए? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? लिखो सिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन कैपिटल आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ, a relation capital R is said to be symmetric if अगर x comma y R का member है। इसका मतलब को बोलते हैं इंग्लिश में this implies x comma y R का member है, this implies y comma x also belongs to R। note करो, if x comma y is member of R, then y comma x is also the member of R। समझ गए? This is called symmetric relation। चलिए अगला relation देखिए, 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3। चलो बोलो, क्या ये symmetric है? नहीं है, ये symmetric नहीं है, क्योंकि 1 comma 3 जो है वो relation के अंदर है, but 3 comma 1 relation के अंदर नहीं है। चलिए अगला question, अगला क्वेश्चन, R इक्वल्स टू 1,1, बताइए क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है इसी सेट के लिए, क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। अरे कहां है 2 और 3? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, हाँ है भाई। किस रूल तोड़े तब नहीं होगा सिमेट्रिक? कौन सा रूल तोड़ दिया बताओ? कोई रूल तोड़ा नहीं तोड़ा ना। चलो अगला देखो, R इक्वल टू 1,1, 2,2, क्या रिफ्लेक्सिव है? क्या सिमेट्रिक है? है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। क्या ट्रांजिटिव है? हाँ नो no? अच्छा, ऊपर वाला ट्रांजिटिव है भैया, रूल कहां तोड़ा है वो छोड़ो ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं, क्या रूल तोड़ा? चलान कब होगा? रूल तोड़ने के बाद। दोषी कब कहलाओगे? जब सजा करार हो जाएगी तभी आप कल्प्रिट कहलाओगे। क्या इसने रूल तोड़ा ट्रांजिटिव का? हालांकि बताया नहीं मैंने ट्रांजिटिव का रूल क्या होता है, फिर भी क्या कोई रूल तोड़ा? जितने रूल पता है, नहीं, इसने भी नहीं तोड़ा। अब देखो ना, 1,1, 2,2, आपका मन टूट रहा है, कहां है ए कॉमा बी, कहां है बी कॉमा ए, पर जब है ही नहीं है तो रूल ही नहीं तोड़ा, समझ गए? चलो अगला देखो, 1,1, 2,2, 3,3, क्या रिफ्लेक्सिव है? क्या आइडेंटिटी है? क्या यूनिवर्सल है? नो। क्या रिफ्लेक्सिव है? है। क्या सिमेट्रिक है? है। क्या ट्रांजिटिव है? है। कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ अभी, समझ में आया? क्यों भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। चलो लास्ट लिखो, ट्रांजिटिव रिलेशन, लास्ट लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन। और आदत ऐसी बनाना कि मैंने होमवर्क तो दे दिया, मैंने भेज दिया आंसर शीट ग्रुप में,
क्वेश्चन को करने के लिए जब नजरिया रखना, क्वेश्चन दिए हुए हैं सब्जेक्टिव, मगर हर सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब अब जो क्वेश्चन करना है उस पे लिखने से ज्यादा जोर रहेगा दिमाग चलाने पे, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अब आप जो चाहते थे वही हो गया आपके साथ। हमेशा बच्चों को लिखने में आलस रहा है, यार क्या लिखें यार, इसमें एक्स बिलोंग्स टू, मरे जा रहे हैं लिख लिख करके, दिमाग खराब होता था। अब आपके मन की बात हो गई भैया, अब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, चार ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल मन में कैलकुलेट करो, पता करो रिफ्लेक्सिव है नहीं है, कैसे है, कौन सी मेथड से है, उल्टा पुल्टा करके है, दोनों तरफ जोड़ करके है, कुछ भी नहीं बताना है। हमसे बच्चे पूछते हैं सर हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल लेके नहीं कर सकते सर, देखो ना टू और थ्री में फिट बैठ रहा है। तो मैं कहता रहा हूं नहीं नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तब चल रहा था सब्जेक्टिव। अब मैं कहूंगा भैया बिल्कुल कर सकते हो और एग्जाम्पल लेके ही देखो कि कोई रिलेशन फटाक से आंसर दे रहा कि नहीं दे रहा है, समझ गए ना। तो अब आपको अपना लॉजिकल वाला ब्रेन चलाना है, तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं हर क्वेश्चन को, आपको आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं लिखना बिल्कुल नहीं, मगर हर क्वेश्चन को लॉजिकली अटेम्प्ट करके आंसर लेकर के आना, समझ गए ना। जो काम पहले दो पन्नों में एक पन्ने में करते थे वो आप छोटे से बॉक्स में कर देंगे। काम पे आते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखो, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव लिखो, रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, कैसा अभी बता। अच्छा वन वन ट्रांजिटिव क्यों है ये पूछ रहे हो, हाँ ना 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 ना, मैंने क्या लिखाया इफ है द, पकड़ो पहले मैंने लिखाया इफ, देखो लिखाया ना सिमेट्रिक में इफ है, यदि चोरी हुई हो तो चोर को पकड़ो, इफ का हिंदी मतलब यदि, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स कॉमा वाई हो तो भैया ढूंढो, समझ गए इफ का मतलब, तो छोटा सा वर्ड कमाल का है भाई, क्लियर हुआ, इफ लिखा है ना, हाँ चलो अगला देखो क्या लिखा रहा, ट्रांजिटिव लिखो, अ रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ, अ रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ x comma y belongs to R, if x comma y belongs to R, मतलब अगर x की रिश्तेदारी y के साथ है and y की रिश्तेदारी z के साथ है, this implies that x की रिश्तेदारी z के साथ होगी, this implies that, ये यहाँ पे y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर लिखना था, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, अगर x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है तो दोनों को मिला करने के बाद दिस इंप्लाइज दैट x इज ऑल्सो रिलेटेड टू z, ये नोट करो। अब आपको मैं बताता हूं वो वन वन टू टू थ्री थ्री क्यों नहीं है, चलो वन वन टू टू थ्री थ्री, वन वन टू टू थ्री थ्री, पहले तो इनको जंबल करके मतलब अगड़ बगड़ करके ये देखो कि कहीं का शुरू वाला ये दोनों सेम फंस रहे हैं क्या, तभी टेंशन लो नहीं तो मत लो, क्या कहीं सेम फंस रहे हैं, इसको इसको कुछ भी रख दो यार, नहीं फंस रहे हैं, मतलब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है क्योंकि चोरी नहीं करी ना, तो अपराधी साबित नहीं हुआ ना, मन कह रहा है अरे सर है को ट्रांजिटिव कोई आया नहीं, नहीं 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 ट्रांजिटिव है, रूल नहीं तोड़ा ना, रूल तोड़ा कि नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा मतलब ट्रांजिटिव है बेटा, मानो ट्रांजिटिव है। चलो अब देखो अगला, वन टू टू थ्री थ्री थ्री, बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है, बोलो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्यों नहीं है, वन थ्री नहीं है, बिल्कुल रूल तोड़ दिया, बिल्कुल सही वन थ्री नहीं है। अब बताओ अब ट्रांजिटिव है, हाँ अब ट्रांजिटिव है सर, ये तो देखो मैच कर गए,
थ्री और थ्री मैच कर गए तो दोस्ती किसकी बन गई, टू थ्री की। बैठा तो है, समझ गए, बैठा है ना, बैठा है ना, क्लियर हुआ। तो ये वाला सेट क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, मगर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। अगला 1,1 रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वही 1,2,3 में रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आगे समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चे बोले मुस्कान बेटा बोलो, समझ में आ गया? यस सर। चलो होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज विद एग्जांपल 1.1 कंप्लीट। एक दिन में एक एक्सरसाइज का लक्ष्य रखो, एनसीईआरटी का कॉम्पिटेटिव फिर मैं बाद में करवाता रहूंगा साथ में, एक एक दिन में एक एक्सरसाइज का टारगेट रखो, ठीक है? चलो तो कल एग्जांपल इसके करके लेके आओ और कल अपन इस पे सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा।